क्या करें? मेरे पास लाइसेंस और सारे पेपर्स भी हैं। ये बताओ कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? सब हम दोनों एक मूवी देखने गए थे। अरे इनके पेपर ठीक है तो जाने दो ना। जी सर। अरे हम पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक हवलदार नहीं है। हम यहाँ काम कर रहे हैं और सर फोन पे लगे हुए हैं। और छुट्टियाँ कैसी चल रही हैं? अरे उनकी बीवी का फोन होगा, बच्चों के साथ छुट्टी पर गई है। बात करने दो उन्हें। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। अरे लाइट कैसे चली गई? इस वक्त तो कभी जाती नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ थोड़ी देर में। कौन है गाड़ी में? क्या कर रहे हो अंदर? अरे सर कहाँ चले गए? बात करते करते कहीं दुबई तो नहीं चले गए? फोन करो उन्हें। अरे फोन करके क्या फायदा, बिजी ही आएगा। लगा के तो देख। अरे वो देख सर का फोन। हाँ फोन यहाँ तो वो कहाँ है? क्या पता। मनोज सर। सर मनोज सर। मनोज सर। सर 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 Yes, Anil. What? हमारे साथ यहाँ पर आओ। अब प्रकाश और मनोज सर फिर वो फोन पे बात करते करते यहाँ पर आए। उन्हें ढूंढने आए तो उनका फोन यहाँ पड़ा। मैडम। बताओ अनिल यहाँ क्या हुआ? मैडम तकरीबन एक घंटे से मनोज लापता है। वो अपनी बीवी से बात करने के लिए इस तरफ आया था। और उसका मोबाइल भी हमें यहीं पड़ा मिला है मैडम। देखा पूरा इलाका छान लिया। ये उसका मोबाइल है मैडम। मैडम मेरा ऐसा मानना है कि अनिल सिटी पुलिस लिमिट्स में जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं सबके साथ मेरी एक कॉन्फ्रेंस कॉल है। यस मैम। एंड लेट्स गेट टू द कंट्रोल रूम इमीडिएटली। यस। ऑल सेट कंट्रोल। टाइगर कॉलिंग। शहर की हर वीरान और सुनसान गली के पास मुझे पुलिस चाहिए। एज ऑफ नाउ पूरी फोर्स मुझे ड्यूटी पर चाहिए। सभी पुलिस ऑफिसर शहर के अलग अलग कोनों में भेजें। और किसी भी हालात में बॉडी आज डंप नहीं होनी चाहिए। और तो और कोई सस्पिशियस इंसान या गाड़ी दिखे तो उसे चेक करो। और पुरानी बिल्डिंग्स भी। अल्फा कॉलिंग ऑल यूनिट। ये एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। ध्यान रहे कि शहर के सारे सीसीटीवी कैमरास ऑन रहे। किसी तरह की टेक्निकल एरर नहीं होनी चाहिए। तो चाहे पुलिस के हो या सिविलियंस के। ये खबर हर थाने में पहुंच चुकी है। कोई लापरवाही नहीं चलेगी। मैंने 15 और पुलिस वालों को छुट्टी दिला दी। दिमाग खराब हो गया। कब से खड़े यहाँ पर, कोई नजर नहीं आ रहा है। ये डीसीपी ने नींद हराम कर दी है। पर हो सकता है कोई आ भी जाए ये सोच के कि इस रास्ते पर कोई होगा ही नहीं। अरे देखो तो एक ट्रक आ रहा है। हमें देखकर ये रुका क्यों? चलो देखते हैं। कंट्रोल P10 बोल रहा हूँ, मोबाइल आंसरिंग। यहाँ MG रोड पे एक गाड़ी हमें देखकर रुक गई है। कोई भी बाहर नहीं आ रहा, हमें बैकअप चाहिए। अरे भेजो बैकअप, जल्दी करो। Alpha 3 बोल रहा हूँ, CRV 3 अभी इसी वक्त महात्मा रोड पहुँचो। वहाँ जो गाड़ी खड़ी है उसकी छानबीन करो। भाग रहा है मतलब गड़बड़ है। क्या है इसमें? ये सब तो पान मसाला के पैकेट्स हैं। कंट्रोल P10 बोल रहा हूँ, गाड़ी में पान मसाला के पैकेट्स हैं। ऐसा लग रहा है ये लोग इसकी स्मगलिंग कर रहे हैं। ओवर। Thank you.
मैम चाय। All set control, Tiger answering. Good job guys. खूनी जो कोई भी है वो कम से कम पहली बार की तरह लाश को कहीं फेंकने में नाकामयाब रहा। अगर वो फिर कोशिश करता है तो पता चल जाएगा, लेकिन तब तक पूरी फोर्स 24 घंटे तक ड्यूटी पर रहेगी। 2 घंटे बाद फिर अपडेट करूंगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? हाँ, सब सही है। अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। बुक का नाम है एबनॉर्मल साइकोलॉजी और राइटर हैं डॉक्टर बेंजामिन लुइस। उन्होंने इसमें जो केस स्टडीज और एग्जांपल्स दिए हैं वो भाषा बहुत ही सरल है, तो समझने में आसानी होगी। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर बेंजामिन लुइस। 1 सेकेंड। हेलो, क्या जी सर, मेरे ड्राइवर बॉल्सन ने पहले बॉडी देखी। डॉग स्क्वाड को नहीं बुलाया। अरुण, पहले की तरह बॉडी पर काफी। बॉडी कब मिली? आज सुबह ही। और किसने देखी? बॉल्सन ने देखी थी। जी सर, मैं आपको अपडेट करूं। अनिट मैम। यस। सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ मेन गेट के पास है, इस तरफ कोई नहीं है क्योंकि यहाँ सीसीटीवी लगे हैं। मैंने सब चेक कर लिया मैम। अरुण मैम, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस मैम। यहाँ पर सिर्फ एक ऑफिसर चाहिए, बाकी सब मुझे ऑफिस में मिले। ओके मैम। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। यस मैम। अनवर, लगता है तुम्हारा शक सही था, ये एक सीरियल किलर है जिसने पुलिस को निशाना बना रखा है। मैडम, मैंने सुबह क्राइम सीन पर आपको नहीं बताया, पर सीसीटीवी फुटेज में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी बता रहे हो? कंटिन्यू प्लेइंग। बॉडी डंप करने की कोई फुटेज ही नहीं है। डेट फिर से कंफर्म करो प्रीति। टाइम और डेट बिल्कुल सही है मैम, मैं स्टोरेज से भी एक बार वीडियो प्ले करके देखती हूँ। ये सब क्या है? किसी ने सीसीटीवी पर जादू टोना किया क्या? ये सब क्या हो रहा है? आजकल के कॉलेज के बच्चे इल्यूमिनाटी के बारे में बड़ी बातें करते रहते हैं। प्रीति पॉज करो, थोड़ा रिमाइंड। हाँ बस यहीं पे, चलने दो। पॉज करो, पॉज करो। रावण, इसमें क्या दिखाई दिया? कुछ दिन पहले नवरात्रि थी और उसी दौरान रावण के स्टैचू को लाया जाता है। रावण के कई स्टैचूस आपको इस त्योहार में पंडालों में दिखेंगे, जिन्हें दशहरे पर जलाते हैं। हाईवे पर ट्रैफिक ना हो इसलिए उन्हें अंदर के रास्ते से लाया जाता है। तो इसमें क्या? मैडम, ये त्योहार 10 दिन पहले शुरू हुआ था और आज ही खत्म हुआ है। ये स्टैचू जरूर वहीं ले जा रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फुटेज 3 दिन पुरानी है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है मैडम। शायद कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो ले जा रहा होगा। नहीं, क्योंकि त्योहार के आखिरी दिन रावण को जला दिया जाता है, इसलिए स्टैचू को इस शहर में 3 दिन पहले पहुंचा दिया जाता है। What do you mean, Anwar? We have been hacked. किसी ने सीसीटीवी फुटेज बदल दी है।
किसी हैकर एक्सपर्ट को बुलाओ। और प्रीति, पता करो अनवर जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। यस मैम। मैडम, ये मर्डर भी पिछले मर्डर की तरह ही किया गया है। आंखें और दिल दोनों निकाल लिए गए। मौत की वजह भी वही है। खूनी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं। बॉडी पर जो परफ्यूम मिला है वो भी सेम है, और ये मूर्ति अच्छी तरह साफ की हुई है, एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है। स्ट्रेंज, ना तो शिल्पकार का नाम है और ना ही कोई ब्रांड का नाम है। हो सकता है किसी ने ये मूर्ति ऑर्डर देकर बनवाई है। स्ट्रेंज तो है, पर किसी और वजह से। इसकी आंखें बहुत बारीकी से बनाई गई हैं। आमतौर पर इंसाफ की देवी की आंखें काले कपड़े से ढकी होती हैं, लेकिन ये तो सब कुछ देख रही है। ऐसी मूर्तियों के चेहरे ग्रीक कलाकृतियों के हिसाब से बनते हैं, लेकिन इसका चेहरा हिंदुस्तानी लड़की जैसा बना है। अगर कातिल ने यह मूर्ति लाश के साथ जानबूझकर छोड़ी है, मतलब वो हमें कुछ बताना चाहता है, या तो पूरी पुलिस फोर्स को या फिर डिपार्टमेंट में से किसी एक को। और ये भी पॉसिबल है कि शायद हमारा ध्यान भटकाने के लिए कर रहा हूं। Then why this time? पिछली बार तो कोई मूर्ति नहीं रखी थी, हो सकता है इस बार कातिल कोई और ही हो। मैडम, अनवर सही कह रहे हैं, यही सेम फुटेज 3 दिन पहले के रिकॉर्ड में भी है। प्रीति, हाँ, फोटो नंबर 5 बड़े स्क्रीन पर दिखाना जरा, जूम करो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर, देखो उस पत्थर के पास, वो देखो, ये इसी किस्म की मूर्ति का कोई टुकड़ा लग रहा है। ओह गॉड, ये मूर्ति वही थी। अरुण, प्रदीप, अभी जा। सर। चल बेटा, अपना पिन मत भूल जाना।